हमीरपुर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला में पिस्ताओं को नाश्ता और भोजन के नाम पर एक दाना भी नहीं दिया जा रहा है। इससे प्रसव कराने वाली पिस्ताएं भूख से परेशान रहती हैं, जबकि मरीजों के नाश्ते और भोजन के नाम पर हर माह हजारों रुपए खर्च दिखाया जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी जननी शिशु सुरक्षा योजना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला में दम तोड़ रहा है। कार्यक्रम के तहत पिस्ताओं को प्रसव के बाद 3 दिन तक डॉक्टरी की निगरानी में रखना होता है। इस दौरान उसे पौष्टिक आहार, दूध, अंडा दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही पिस्ताओं की मुफ्त दवा के साथ घर तक छोड़ने के लिए एम्बुलेंस भी सुविधा दी जाती है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। स्टाफ की मनमानी के चलते मरीजों को फल, दूध और अंडा मिलना तो दूर, उन्हें पौष्टिक भोजन तक नहीं मिल रहा है। रवीना पत्नी दयाशंकर निवासी अतरौली, निर्दोष कुमारी निवासी लोदीपुर, ललता निवासी बीलपुर ने बताया कि डिलीवरी करने के 2 दिन बीतने के बाद भोजन और नाश्ते के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया और कोई देखरेख नहीं की जाती। कोई नर्स देखने तक नहीं आती, बस आती है तो सुविधा शुल्क के नाम पर नर्स 500 से 1100 रुपए। यहाँ पे खाने का कल कुछ नहीं मिला था। कितने दिन से भर्ती है, किस मामले में आई है? साल से यहाँ। किस क्यों आई है यहाँ और कब से भर्ती है? कल से आने के लिए तो खैर सुविधा हम लोगों का नहीं है, ये खाने के लिए अलग से, ठीक है? क्यों, हम लोग तो स्टाफ नर्स हैं, तो प्रसव आया तो वो देखना है हमारा काम। अच्छा, और उनका आरोप है कि कोई देखने नहीं आ रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल देखने जाते हैं 24 घंटे। हम जितनी बार है, ये भैया है खड़े हुए, पूछ लीजिएगा इनसे। और पैसे का आरोप है कि बच्चे पैसे नहीं का नहीं नहीं कोई वो नहीं, वो इनकी इच्छा है, जो अपनी इच्छा से इनको निचार देते दाई आई, वो अलग, ठीक है? वो दाई का अपना जो भी लेते ये शिकायत निराधार है। अभी तक हमारे पास कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई है। अगर इस तरह कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट।